Assalamu 10th class today we will start chapter number 17 biotechnology introduction to of biology we have already studied this topic in class so we will start next uh, topic scope and importance of biotechnology वट इज़ बायोटेक्नोलॉजी बेटा आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है हमने अपने प्रीवियस लेसन में पढ़ा है द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज़ फॉर द वेलफेयर एंड बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड ठीक है इंसानों की भलाई के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है और जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हो क्या होती है बायोटेक्नोलॉजी अब उसका स्कोप क्या है यानी कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है ये आज हम पढ़ेंगे ठीक है इसका बेटा बहुत ज़्यादा स्कोप है बहुत ज़्यादा फील्ड्स में इसका स्कोप है लेकिन कुछ फील्ड्स आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन के मेडिसिन में इसका क्या स्कोप है ठीक है आपने ये सब ये जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं बेटा इसी तरह से आपने पॉइंट्स बना के लिख देना ठीक है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी सेंथिसाइज नंबर वन है ये सेंथिसाइज इंसोलिन एंड इंटरफेरॉन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड रिलीज फॉर सेल ये फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकंड क्या है आ लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन एंड एंटीबॉडीज ठीक है प्रोड्यूस हुई है थ्रू एंड थ्रू बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड अदर मेडिसन हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड ये थर्ड पॉइंट हो गया फिफ्थ पॉइंट वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सेंथिसाइज फॉर मेडिसिनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज ठीक है ये फोर्थ पॉइंट है और ये फिफ्थ है जीन थेरापी और ये सिक्स क्या है ये पूरा लिखेगा फिफ्थ में बेटा सिक्स ये है फोरेंसिक मेडिसिन में ये फोरेंसिक मेडिसिन में ही ये लाइन भी आ जाएगी द स्टडी ऑफ डी एन ए हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स ये फोरेंसिक मेडिसिन में ही आएगी ये लाइन ठीक है इसके सिक्स पॉइंट हो गए बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड ऑफ मेडिसिन में बेटा ये शॉर्ट भी इसके लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और लॉन्ग के लिहाज से भी शॉर्ट के लिहाज से कोई एक पूछा जा सकता है कि वट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन या फूड या एग्रीकल्चर ठीक है इस तरह से और लॉन्ग पूछा जा सकता है स्कोप ऑफ एग्री बायोटेक्नोलॉजी फिर देखिए नेक्स्ट बेटा बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर आपने यहां पर लिखना है बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड ठीक है पहले फूड की दे देनी है हेडिंग सिर्फ एग्रीकल्चर की हम बाद में देंगे फिर पॉइंट्स बनाएंगे नंबर वन क्या है फर्मेंटेड फूड माल्टीड फूड ठीक है थर्ड क्या बनाएंगे ये पूरी पूरी लाइंस आपने लिखनी है बेटा कट कुछ भी नहीं है मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आ, इनकी हेडिंग्स क्या क्या हैं थर्ड पॉइंट बनाएंगे वेरियस वाइटामस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूसड बाय यूजिंग माइक्रो माइक्रोर्गेनिज्म नंबर फोर क्या है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूसड इन बेवरेज इंडस्ट्री फिर उसके बाद आप हेडिंग देंगे एरी बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ये देखिए यहाँ से एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो रहा है और आपने फिर फर्स्ट हेडिंग देनी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स एंड मॉडिफाइड जेंटिक सेटअप प्लांट्स आर बींग डिप्ड इन विच डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक एट प्रेजेंट ठीक है सेकेंड देंगे ट्रांसजेनिक गोड्स और फिर ये सारा लिख देंगे ठीक है इसके मतलब फूड के आपके पास आ गए बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड फोर पॉइंट्स और फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू पॉइंट्स आ गए फिर उसके बाद आप देंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इसमें बेटा देखें बायोटेक्नोलॉजी इज़ आल्सो बीग यूज फॉर डीलिंग विध एन्वायॉयरमेंट इशूज़ इसके देखें कितने सेवन पॉइंट्स हैं नंबर वन क्या है लाइक पोल्यूशन कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल की जाती है थ्रू बायो टेक्नोलॉजी नंबर टू है डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज फॉर एनर्जी ठीक है ऐसे सोसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं जो रीन्यूबल हो दोबारा दोबारा यूज़ हो सकें और थर्ड क्या है रीस्टोशन ऑफ डिग्रेडेड डिग्रेडिड लैंडस यानी जो लैंड जो हैं ज़ाया हो चुकी हैं उनको रिस्टोर किया जा सके दोबारा से ठीक है फोर्थ क्या है बायोडावर्सटी कंजर्वेशन नंबर फिफ्थ क्या है बैक्टीरियल एंजाइम्स आर यूज टू ट्रीट सेवेज वाटर टू प्योरीफाई सिक्स क्या है माइक्रोब्स आर बीइंग डेल टू बी यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स और फिर ये सारा चलेगा सच ट्रांसजेंडिंग सेवन है रिकवरी ऑफ मेटल्स क्लीनिंग ऑफ स्पिल्ड ऑयल्स एंड फॉर मैनी अदर पर्पजेज़ ठीक है बेटा ये आपने याद करना है आज वाले टॉपिक में बहुत कुछ बस याद ही करने वाला था पढ़ाने वाला ऐसा कुछ खास खास नहीं था समझाने वाला ठीक है ये इसके अब यहाँ पर दिए हुए तीन पॉइंट पर टेक्नोलॉजी अब आपके कितने बन गए चार पॉइंट्स ठीक है फील्ड ऑफ मेडिसिन अलग से बनाएंगे एग्रीकल्चर अलग से फूड अलग से और एन्वायरमेंट और सबके इस तरह पॉइंट्स देंगे आपने लिखना है फॉर्मेंटेशन इंशाल्लाह हम कल स्टार्ट करेंगे